नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सम्मी। अब खबरें विस्तार से। रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी महिला से 50,000 रुपए की लूट करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सीसीटीवी के आधार पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान आदित्य गुप्ता निवासी महावीर घाट थाना कोतवाली जनपद बलिया अस्थायी पता न्यू शिवपुरी कॉलोनी कान्हा उपवन भवन के पास फलमंडी थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से 50,000 रुपया नगद एक मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं आईपीएल में पैसा हारा हुआ था, जिस कारण मुझे पैसों की आवश्यकता थी। पैसे की तलाश में 16 मई को नहर रोड के पास ही बैठा हुआ था कि एक दुबली पतली महिला को पंजाब नेशनल बैंक की शाखा रुस्तमपुर आजाद चौक थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर में जाते हुए देखा। मैंने महिला का पीछा किया और उसका इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में मैंने उस महिला को रुपए की नोट गिनते हुए देखा। वह महिला बैंक से निकलकर टेम्पो से जाने लगी तो मैंने उस टेम्पो का अपनी मोटरसाइकिल से पीछा किया और जैसे ही वह महिला जीडीए पंप हाउस लहसड़ी रोड पोखरे के पास टेम्पो से उतरकर जाने लगी तो सही समय व स्थान देखकर मैंने झपट्टा मारकर महिला के हाथ से पॉलिथीन में रखे हुए 50,000 रुपए लूटकर तेजी से अपनी मोटरसाइकिल से भाग गया, जिसको जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में रामगढ़ताल थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक संजय कुमार यादव, बब्बन प्रसाद वर्मा, कांस्टेबल नकीब खां, प्रदीप चौधरी, राहुल यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, कुछ लगाने के अनुक्रम में थाना रामगढ़ताल को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें इन्होंने 16 मई को अब एक 50,000 की लूट हुई थी, उसका सफल अनावरण किया है। उल्लेखनीय है कि 16 मई 2023 को 1:30 बजे के आसपास एक महिला प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी हैं, जो ये अपने खाते में 50,000 रुपये क्रेडिट हुए थे उसको लेने के लिए पीएनबी बैंक पे आई थी। बैंक से पैसे निकालने के बाद में वो वहाँ बैठ के नोट गिन रही थी, तभी ये अभियुक्त जिसने लूट कारित की है, ये उसके पास में बैठा था, उसने देखा कि काफ़ी सारे पैसे गिन रही हैं। निकलने के बाद में वो महिला ऑटो में बैठी तो इन्होंने अपनी मोटरसाइकिल जो होंडा शाइन है उससे पीछा किया और जहाँ ये महिला उतर के सुनसान जगह अपने घर के पास जा रही थी वहाँ पीछे से झपट्टा मार के फरार हो गया। उसके बाद में उस महिला ने निकटतम पुलिस थाने पे मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी, अभियोग पंजीकृत किया गया और उसके बाद में थाना रामगढ़ताल द्वारा बैंक का सीसीटीवी निकलवाया गया और वहाँ से इस व्यक्ति का फुटेज क्लियर हुआ और उसके बाद में जहाँ तक इसने लूट कारित की वहाँ का फुटेज लिया गया, लेकिन पुलिस को सफलता हाथ में नहीं लगी। उसके बाद में पुलिस ने जहाँ से ये लूट कारित करने वाला व्यक्ति आया था वहाँ की फुटेज चेक की, करीबन 60-65 कैमरे इस पूरे 7 दिन के इस अभियान में पुलिस ने चेक किए, उनके आधार पर इस अभियुक्त जिसका नाम आदित्य गुप्ता सन ऑफ राजकुमार गुप्ता है, 20 वर्षीय है, इसको ट्रेस किया गया। इसको गिरफ्तार करके इसके कब्जे से 50,000 रुपये लूट कारित किए गए, 100% रिकवरी की गई है। होंडा शाइन बाइक जिससे लूट कारित की गई थी वो भी पकड़ी गई है और उल्लेखनीय है कि यह व्यक्ति इससे पूछताछ करने पर यह बताया कि इसने लूट इसलिए की क्योंकि ये आईपीएल के अंदर सट्टे में पैसे हार गया है और इसके तमाम अन्य खर्चे हैं उनको पूरा करने के लिए इसने लूट की घटना को अंजाम दिया था। इसका किसी प्रकार का कोई आपराधिक इतिहास नहीं। थैंक यू।